मनुष्यता, मनुष्यता कविता को कौन लिखे हैं? मैथिली शरण सूत्री कौन लिखे हैं? मैथिली शरण। और इस कविता के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलेगा? इस कविता के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलेगा कि मनुष्य को महान बनने के लिए प्रेरणा दी गई है इस कविता के माध्यम से। मृत्यु से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। अक्सर हमें क्या होता है कि जब हम मृत्यु हमारे सामने आता है और सामने होता है तो हम मृत्यु से डरते हैं। हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मनुष्यता का सबसे बड़ी गुण क्या है? परोपकार भावना। जब तक जिंदा है तब तक दूसरों के लिए सहायता के लिए, दूसरों के सहायता के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करना चाहिए। जैसे कि वेद में लिखा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्। मतलब हम दूसरों के भलाई के लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब अच्छे से रहे, सब निरोग रहे, सब खुशी से रहे, इसलिए प्रार्थना करने के लिए हमारे संस्कृति में कहा गया है, अयम नीचो परो व्यक्ति गणना न उचित सम उदार चरितार्थं तो वसुधैव कुटुंबकम्। संपूर्ण वसुधा को अपने कुटुंब के जैसे, अपने परिवार के जैसे मानने के लिए यह बात भी कहा गया है। उसके साथ यह कहा गया है कि दूसरों की सहायता करना होगा हमें, और हमें कभी भी कोई भी चीज पर गर्व नहीं करना चाहिए। अपने देश के लिए गर्व करने के अलावा किसी भी कारण के लिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि मृत्यु कभी भी हमें छू सकता है, कभी भी हमें आ सकता है। जब मृत्यु कभी भी आ सकता है, जब हमारा जन्म किसी के सहायता से हुआ है और मृत्यु होने के बाद भी हम किसी के सहायता से ही कब्रिस्तान को पहुंचेंगे, तो हम दूसरों की सहायता क्यों नहीं करेंगे? जीते जी करेंगे कि नहीं करेंगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसलिए कभी कह रहे हैं यहाँ पर कि विचार लो कि मर्त्य होना मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। बोल रहे हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी। ये मर्त्य उड़िया में एक बात है कि मर्त्य मंडोड़े देव को ही देवता हरे भी मरो। इसका मतलब है इस मर्त्यपुर में जो भी आए हैं, चाहे वो देवता क्यों ना हो, वो जरूर मरते हैं। जब मृत्यु ही तय है, जब मृत्यु ही निराकार सत्य है, निरंतर सत्य है, चिरंतन सत्य है, तो मृत्यु से हम क्यों डरे? मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, हमें ये करना चाहिए मरो। एक दिन हमें जरूर मृत्यु आएगा। कभी कह रहे हैं कि हमें तो एक दिन मरना है, हम मरेंगे, लेकिन ऐसे करके मरेंगे कि याद करें जो सभी, सब हमें याद करेंगे। हमारे मृत्यु के बाद हमारा नाम इतिहास में अमर अक्षर में लिखा जाएगा। हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य को सब याद करेंगे, और याद करते करते उनके आंखों से आंसू निकल आएगा, खुशी के आंसू निकल आएगा, दुख के आंसू निकल आएगा, खुशी के आंसू इसलिए निकल आएगा कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अपने कर्तव्य से बढ़कर काम किए थे। दुख के आंसू इसलिए निकल आएगा क्योंकि वो इंसान मरने के बाद उनके जैसे इंसान फिर से पैदा होने के लिए बहुत समय लग जाएगा, उनके जैसे इंसान नहीं है दुनिया में। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, जाति धर्म वर्ण भाषा लिंग आंचलिकता निर्विशेष में सब रोए उनके लिए, उनके मरने के बाद भी, क्योंकि वो सभी धर्म को एक जैसे मानते थे। भारतीय को, अपने देश भारत को पहले स्थान में रखते हुए हमेशा याद करते थे। गरीबों के मदद के लिए मददगार हमेशा बनते थे। अपने तनख्वाह के 100% वो लोगों के सुविधाओं के लिए वो त्याग दिए थे। हमें ऐसे इंसान बनना है। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो खुद अपने आप के लिए जो जीते हैं, जब उनको मृत्यु छुएगा, मृत्यु जब उनके जीवन में आएगा, तो उनको कोई याद नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद जीने के लिए, अपने परिवार को जीने के लिए, खुद हंसने के लिए, खुद खाने के लिए, खुद खुशी में रहने के लिए अपने कर्तव्य संपादन किए और मर गए। तो इसमें किसी का भलाई नहीं हुआ, समाज का भलाई नहीं हुआ, तो हमारा जन्म लेने का सार्थकता नहीं प्रतिपादित हुआ। जब हम जन्म लिए हैं किसी के सहायता से, किसी के मदद से, मृत्यु तक जीवित रहने तक
हम दूसरों की सहायता करना चाहिए। परोपकार की भावना हमेशा रहना चाहिए, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा काम करना चाहिए। इसलिए क्या बोला गया है कि मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दिया गया है। मनुष्यता कविता में मनुष्यता और मानवीयता में कोई भी फर्क नहीं है। मानवीयता का मतलब है ह्यूमैनिटेरियनिज्म, जी हम दूसरों के लिए हमारे अंदर में मानव के लिए हमारे अंदर में क्या है, हम एक मानव हैं और दूसरे मानव के लिए हमारे अंदर क्या है, ये सारे बातें हमें सीखना चाहिए। ठीक है, के बारे में सोच रहा है, आप कर रहे हैं, मतलब हमेशा खुद के बारे में सोच रहा है, उसको पशु प्रवृत्ति कहा गया है। हमारे समाज में अच्छे इंसान बहुत कम हैं, लेकिन जो हमेशा अपने के लिए सोच रहे हैं ऐसे इंसान बहुत हैं, जिसको हम बोलते हैं बुरे इंसान। यहां देखो क्या बोल रहा हूं, बुरे इंसान बहुत हैं, इसका मतलब क्या है, जो स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, स्वयं के लिए जी रहे हैं। स्वयं के लिए तो पशु भी जीता है, हमें दूसरों के लिए जीना पड़ेगा, दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके हम दुनिया में हमारा नाम कमा सकते हैं। इतिहास में हमारा नाम स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा जब हम यह पशु प्रवृत्ति को छोड़ेंगे कि हमें अपने लिए ही जीना है। नहीं, हमें सबके लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, देश को बदलना है, लोगों के लिए काम करना है, मददगार लोग, जैसे कि भारत हमारे देश स्वतंत्र होके 75 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, आज तक हमारे देश में 60% से ज्यादा लोग गांव में बास करते हैं। महात्मा गांधी बोले थे कि भारत गांव में बास करता है, इंडिया लिव्स इन विलेजेस, भारत गांव में बास करता है। आज भी हमारे गांव 100% प्रगतिशील नहीं हुआ है, प्रगति के पथ पर है। आज भी बहुत सारे गांव हैं जो कि प्रगति के रूपरेख से बहुत दूर में है। ऐसे बहुत सारे आदिवासी गांव हमें मिलेगा पूरे भारत में, जहां पर सरकार के पांव भी नहीं पड़ा है। तो हमें उसी गांव के लिए काम करना है, उस गांव के बूढ़ी माँ के लिए काम करना है, जो कि इतने दिन से सपना देखा है कि हमारे गांव में सब कुछ ठीक होगा, बिजली आएगा, हमें स्वस्थ पानी मिलेगा, स्वस्थ परिवेश रहेगा, मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगा, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, हमारे विद्यालय जो है वहां पर शिक्षक रहेंगे, विद्यालय रहेगा, ये सारे बात आज भी बहुत सारे जगह में सपना है। तो कहां वो मनुष्यता वहां पर काम किया, जब सरकारी चीजें हैं, लोग नहीं है, तो वो मनुष्यता वहां पर कैसे काम किया। मनुष्यता वहां पर काम करता है जब आप खुद के लिए काम करते हुए दूसरों के बारे में सोचता है। जैसे कि आप लोग सारे गांव से आए हो, आपकी आंखों में सपना यह रहना चाहिए कि मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना होगा। ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल में रहते हो कि 8 बज गया इसका मतलब खाना खा के सीधा सो जाना, पढ़ना नहीं है, ठीक से पढ़ना नहीं है, ऐसे करने से कोई कुछ भी नहीं बदलेगा। आपके पेरेंट्स जैसे है आप भी ऐसे ही रह जाएंगे। अपने आप को बदलने के लिए अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके दुनिया बदलेगा, देश बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। समझे, मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? गुड।